चाचा बताओ क्या लग रहा है हिमाचल में, कंगना जीतेंगी यहाँ पर मंडी में? कंगना का जीतेगा, कहाँ जितनी वो करेगी, हम जीतेंगे, जीत नहीं पाएगी। ये बोलने में तो बड़ा कुछ बोल देते हैं, जीतेगा ब्रिकमा जीतेगा। उसको बोला पहले भाषण तो ठीक दो, भाषण भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। राजनीति में आई, पहली बार टिकट मिला है, मंडी से करेंगे इस बार हम जीत के जाएंगे और मंडी में विकास बढ़िया कराएंगे। यही बनेगी, विक्रमादित्य जीतेगा, बाकी नहीं कोई। भाई साहब कौन लग रहा है इधर? विक्रमादित्य सिंह जी। विक्रमादित्य, कंगना क्यों नहीं चाहते आप लोग? कंगना जी को नहीं हम चाहते, एक बार भरोसा करके देखिए उनको। देखा नहीं, फिल्म में भी कहीं देखा हमने, बाकी हम कंगना को जानते ही नहीं, दुनिया जानती है कंगना को, आप कंगना को नहीं जानते? ऐसे फिल्मों में देखा हमने कभी उनको, शूटिंग करते हुए देखा हमने। अदरवाइज हम कंगना संसद भेजिए, मंडी को विकसित करेंगे। तो अभी फोटो में हमने देख लिया उनको, कंगना फोटो में देख लिया। भाई साहब क्या लग रहा है, कौन कौन निकल रहा है इधर? वो ब्रेकम देती है। कंगना क्यों नहीं निकल रही? वो उसका कोई है नहीं, वोटी बात नहीं है, वोटी वोट नहीं है। वो तो करे की विक्रमादित्य को हराएंगे हम, वैसे बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सपने लग गए। अच्छा, हाँ जी, तो सपने दिखा रहे हैं। हाँ भाई साहब कौन लग रहा है इधर, कौन निकल रहा है? मैं तो बोरा है कांग्रेस ही, विक्रम, विक्रम निकलेंगे। क्यों विक्रम क्यों निकलेंगे, क्यों लगता है विक्रम निकलेंगे? अब सर, अब बात ऐसी कि कोई माहौल की किस तरह से, राजनीति की किस तरह से जाएगी? कंगना, कंगना भी भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या? कंगना क्या पता, कंगने भी आ सकती है, उसमें कोई ये नहीं है। ये तो आगे कौन निकल रहा है? हाँ जी, आगे कौन निकल रहा है? आगे तो विक्रमादित्य सिंह जी, विक्रम जी, विक्रम निकल रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है? विक्रमादित्य सिंह जीतेंगे। कंगना, कंगना दो दिन हो गए उसको आके, और वो इलेक्शन लड़ रही है, वो बाहर। अरे वो तारी मंडी की बेटी है, मैं मंडी की बेटी है, लेकिन वो बॉलीवुड की हीरोइन है, क्या पता कली छोड़ के चली जाए मार को। अच्छा जी, ये डर लग रहा है क्या कि कली छोड़ के चली जा सकती है मुंबई वापस? हाँ जी, ऐसा ही डर लग रहा है। तो कह रही ना मंडी की ही है, मैं मंडी की तो है ना, वो बॉलीवुड में गई है। अच्छा बताओ, आप बताओ क्या लग रहा है, आप बताओ क्या भाई साहब, इधर इलेक्शन का माहौल क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? ये नहीं पता, ये नहीं पता। भाई साहब आप बताओ क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी, हाँ जी। अच्छा कंगना? विक्रमादित्य जीतेगी। कंगना क्या, उसके तो बुरे हाल ही है, बुरे हाल है। हाँ जी भाई साहब, इतनी इतनी बढ़िया फिल्म अभिनेत्री हैं, पूरी दुनिया में नाम है उनका, नेशनल अवार्ड मिले हैं, तो आप लोग नहीं चाह रहे हैं जिता के भेजे यहाँ से? नहीं, विक्रमादित्य जीतेगी। विक्रम को? विक्रम को। कंगना को नहीं? नहीं। अच्छा, पहले से ही विक्रमादित्य कह रहे हैं कि हम मंडी का विकास करेंगे, मंडी को बढ़िया एक नंबर का बना देंगे, हिमाचल को पूरे एक नंबर का बनाएंगे, मोदी जी की सरकार आएगी तो पूरे हिमाचल को बदल देंगे, बढ़िया काम हो जाएगा, जिता के भेजिए, हो सकता मंत्री मंत्री बन जाए कंगना। मंत्री बनो कहाँ बनो भाई, कि जीतेगी नहीं पहले से, उसकी नहीं। भाई साहब कौन जीतेगा? विक्रम जी। विक्रम, विक्रम, विक्रम जीतेंगे। क्यों विक्रम क्यों जीतेंगे भाई? क्योंकि 17 साल से राजनीति कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। कंगना जी अभी आई, हर बोरी में हिमाचल की बेटी हूँ, मंडी की बेटी है। अभी कहाँ आई? कहीं नहीं, मंडी की बेटी है, मंडी में नहीं पैदा हुई वो, मंडी में पैदा, मंडी से तो गई थी वो, नहीं राजनीति में तो अभी आई। अच्छा, अगर उनको हमारी इतनी दर्द होती, आम जन की दर्द होती, जब हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई, 1 रुपया उसने दिया, कुछ भी नहीं दिया, ये तो राजनीतिक तौर पर जो अपना माल बना रही है, लेकिन जागरूक लोग हुए हैं, कंगना जी नहीं जीतेगी। अच्छा, बिल्कुल श्योर है। तो मंडी में जब बाढ़ आई थी, यहाँ पर जब आपदा आई थी, तो आपको लगता है कि कंगना ने मदद नहीं की? नहीं की, आई मदद नहीं की, बिल्कुल नहीं की। हम यहीं थे, मदद करनी चाहिए थी, भरोसा था आप लोगों को कि मदद करना चाहिए था, मंडी की बेटी थी उस हिसाब से। देखो, उस जब कंगना इतनी जो क्या बोलते हैं राम मंदिर हुआ, वहां पर 50 करोड़ दे सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिया, दिखती बात है ना। तो ये तो हवा बना रही है, विक्रमादित्य को बोले अपने बाप के वोट पे मांग रहा है, वोट मांग रहा है, लेकिन वो खुद भी तो मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, अपने नाम पे वोट मांग वाला, ये तो दिखावा है, लेकिन दिखावे में लोग आने वाले नहीं है, दिखावे में नहीं आ रहे लोग, नहीं आए। तो इस बार कंगना को जिता के भेजेंगे? नहीं, नहीं भेजेंगे। एक बार भरोसा करिए, हो सकता अच्छा काम कर दे, चुनाव लड़ रहे हैं, मंडी को छोड़ के ना जाए। नहीं कहां जी, वो तो 4 तारीख को बॉम्बे जाएगी, हिमाचल को छोड़ के जाएगी, 4 तारीख बॉम्बे जाएगी, बिल्कुल जाएगी जी। भाई साहब आप बताओ क्या लग रहा है? तो हम लोग अभी भाई जी कुछ मंडी में पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है, तो आपको भी लगता है कि क्या 4 तारीख के बाद चली जाएंगी, मुंबई चले जाएंगे कंगना? मेरे को ये ऐसा नहीं लगता ना भाई जी, ये किस्मत की खेल है, कोई भी आ सकता है। अच्छा, कोई भी आ सकता है? हाँ जी, ऐसा है कि कंगना भी आ सकती है, कंगना भी आ सकती है, विक्रम भी आ सकता है, दोनों में अच्छा कौन लगता है आप बताओ, कंगना या विक्रम? भाई जी मैं पहली बार वोट में दे रहा हूँ, पहली बार इसको दोगे? फिर मैं देखो विक्रम को ही, विक्रम को, पहली बार वोट विक्रम को। दोनों में अच्छा कौन लगता है, विक्रम या कंगना?
विक्रमादित्य। आप बताओ भाई, विक्रम ही विक्रम, विक्रम कंगना है, विक्रम विक्रमादित्य सिंह जी, विक्रम विक्रम या कंगना, विक्रम 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 भाई साहब बताओ विक्रम या कंगना। जो रोजगार शिक्षा और जनता के मुद्दों की बात करेगा हमारा वोट उसे। कौन कर रहा बात फिलहाल? तो विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं। अच्छा कौन लगता है, विक्रम या कंगना? जो रोजगार शिक्षा और युवाओं की बात करेगा, जनता से जुड़े हुए मसले उठाएगा, हमारा वोट उसे। अच्छा ठीक है, तो विक्रम जी पे भरोसा है? बिल्कुल, राहुल जी पे भरोसा है फिलहाल? तो अगर जो जो जनता से राहुल जी भी तो मुद्दे उठा रहे हैं ना, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके अलावा महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी पे भरोसा? जो रोजगार शिक्षा जनता के मुद्दे उठाएगा हमारा वोट। अच्छा, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है ना भाई साहब, तो लगाने की 10 सालों में कुछ बदलाव कर पाए हो, रोजगार दे पाए हो मोदी जी? जिन्होंने मतलब कि अपने जितना वो कर सकते थे उतना किया, मतलब कि जनता की उम्मीदों के परिवर्तन नहीं किया, उम्मीदों के अनुसार तो उस तरीके से नहीं कर पाए, जितनी उम्मीदें थी सपना ज्यादा दिखाया था। अग्निवीर स्कीम को ले आए, लोगों को मतलब कि युवाओं को रोजगार मिलने की अपेक्षा जो है युवा जो है बेरोजगार ज्यादा हुए, ठीक है, उनमें मतलब कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए उन्हें रोजगार दिया जाएगा, बाद में उन्हें दोबारा बेरोजगार, लॉलीपॉप उन्हें जो दिया जाएगा, लॉलीपॉप ज्यादा दे दिया। यस सर, काम नहीं किया। यस सर, भरोसा विक्रम पे? बिल्कुल।